कंबशन, देखो ध्यान से, कंबशन मतलब होता है किसी भी चीज को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना। कंबशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करना, बर्न करना, ठीक है ना। तो कंबशन मतलब क्या हुआ, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। बोलो, दुनिया में दुनिया में जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलेगा जब भी कोई हाइड्रोकार्बन चलेगा तो प्रोडक्ट में हमेशा तो प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही बनेगी। ठीक है। दुनिया में जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ प्लीज एनर्जी रिलीज होगी। होगी। पेन रख दो, सब बोर्ड पर देखो। देखो अब हम लोग सबसे पहले आग लगाते हैं किस पे, मीथेन में। किस पे लगाते हैं, मीथेन। मीथेन केमिकली होता है CH4। क्या होता है, CH4 प्लस ऑक्सीजन वुड गिव मी व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। फिर दुनी ने बोला, नहीं दीदी अल्कोहल जला दो, मिष्टी बहुत पी दी है। तो मैंने कहा देख, CH3 CH2 OH भी हम लोग अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगा, CH2 H2O और एनर्जी, ठीक है ना। फिर वंश ने बोला, दीदी हम जो गैस जलाते हैं LPG, तो मैंने कहा यार वंश वो तो ब्यूटेन होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो यहाँ पर भी क्या ही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इज दैट क्लियर। यानी कि कंबशन रिएक्शन में सर पैर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हारा प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। चेंज कहाँ आएगा, चेंज सिर्फ इस चीज में आएगा क्या, कि अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग करने को जाएंगे, क्या करने जाएंगे, बैलेंसिंग बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के केस में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हो रहा है और अमाउंट ऑफ वाटर कितना रिलीज हो रहा है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो रहे हैं। इज दैट क्लियर। बोलो, कोई परेशानी, आगे जाएं। ठीक है, अब फर्क कहाँ आता है, फर्क क्या आता है कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अगर कौन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अगर क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, तो उसके केस में क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। और अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो फ्लेम कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, और सूट नहीं प्रोड्यूस होगा। सूट क्या होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है, सूट अनबर्न कार्बन कार्बन पार्टिकल्स। तो अगर क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो सबसे पहली बात क्या है, कि कंप्लीट कंबशन होगा। सबसे पहली कहानी क्या है, कि कंप्लीट कंबशन होगा, ठीक है ना। कंप्लीट कंबशन होगा तो एनर्जी क्या रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी। एनर्जी कैसे रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट में, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या, फ्लेम कौन सा होगा, ब्लू कलर का, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन उसमें नहीं रहेंगे, अनबर्न हाइड्रोकार्बन उसमें नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर। बोलो, कोई परेशानी, तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होगा, ब्लू फ्लेम रहेगा, सूटी फ्लेम नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल नहीं रहेंगे। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि अल्किन्स और अल्काइन्स, कौन, अल्किन्स और अल्काइन्स, तो उसके केस में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो कौन से कलर का फ्लेम आएगा, ऑरेंज या फिर येलो। और फ्लेम में क्या होगा, सूट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि फ्लेम कैसा होगा, सूटी फ्लेम होगा। सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है, कि उसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे। ओके,
क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की स्टोरी सॉर्टेड है, आगे जाएं। नेक्स्ट होता है व्हाई डू बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स गेट ब्लैक, जो कुकिंग यूटेंसिल्स रहते हैं उनके जो बॉटम्स रहते हैं वो काले क्यों हो जाते हैं, क्यों पूछा है ऐसा क्वेश्चन। जैसे जो हमारी गैस होती है जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं उसमें प्राइमरीली कौन होता है, ब्यूटेन होती है। क्या होती है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन ब्यूटेन तो क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनकम्प्लीट कम्बशन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंप्लीट कम्बशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि जो पोर्स रहते हैं इसके हमारे स्टोव के, तो जब हमारे स्टोव के पोर्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ से ब्यूटेन निकलती है पर यहाँ से सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, और क्योंकि सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा पाता है तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, और इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और इस सूटी फ्लेम की वजह से क्या होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स कैसे हो जाते हैं, नीचे से ब्लैक हो जाते हैं। बोलो कोई परेशानी, क्या समझ में आई कहानी?